दिख रहा है? कल वाला आ गया समझ में? व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बताइए। ये भी कह सकते हैं, लेकिन जो प्रॉपर डेफिनेशन वो यही होगी कि माइक्रोस्पोर्स के डेवलपमेंट को जो हमने पढ़ा था कल, उसको हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। जितने भी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं वो आप शुरू से अभी तक उन सभी को क्या बोलते आए हैं? माइक्रोस्पोर्स। और जो मेल थे उनको माइक्रोस्कोप स्पोर्स और फीमेल को मेगा स्पोर्स कहते हैं। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है मेगा स्पोरोजेनेसिस। अब बेसिकली मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या है? अब हम एंजियोस्पर्म्स की बात कर रहे हैं, तो एंजियोस्पर्म्स में फ्लावर होता है। इसके पहले आप लोअर प्लांट्स पढ़ रहे थे तो उसमें फ्लावर नहीं होता था, उसमें मेगा स्पोर और माइक्रोस्पोर से काम चल जाता था। लेकिन जब हम प्लांट्स में आगे बढ़ते हैं यानी कि एंजियोस्पर्म्स में आते हैं, तो एंजियोस्पर्म्स में बच्चों उसको फ्लावर के फॉर्म में हमें मेल और फीमेल पार्ट्स जो है अवेलेबल है यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो जो मेल पार्ट है वो एंड्रोशियम से डिनोट होता है और जो फीमेल पार्ट है वो किससे डिनोट करते हैं बताइए? फ्लावर तो पढ़ चुके, गाइनीशियम है ना। तो गाइनीशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एनी फ्लावर। और फ्लावर को आप इस तरीके से समझिए कि जैसे आप शुरू से पढ़ते आ रहे थे अभी तक, क्या देख रहे थे कि मेगा स्पोर किस में डेवलप हो रहे थे? मेल कोन में, सॉरी फीमेल कोन में, और माइक्रोस्पोर्स मेल कोन में। लेकिन जो सबसे हायर मोस्ट आप जिम्नोस्पर्म्स का पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग कहने लगते हैं इफेड्रा में मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर, वहीं से स्टार्ट हो जाता है। अब जब आप और हायर में आ जाते हैं यानी एंजियोस्पर्म्स में आ जाते हैं, वो कंप्लीट फ्लावर डेवलप होता है। और फ्लावर में आप लोग फ्लावर पढ़ चुके हैं, उसमें आप लोगों ने देखा है कि बहुत सारे हर्माफ्रोडाइट होते हैं जिसमें कि मेल और फीमेल पार्ट एक ही फ्लावर में होते हैं, और समटाइम्स वो यूनिसेक्सुअल होते हैं कि जिसमें मेल होता है फ्लावर, एक फ्लावर फीमेल होता है। जो मेल फ्लावर होता है उसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि क्या मिलेगा? एंड्रोशियम। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव फीमेल फ्लावर होगा उसमें गाइनीशियम मिलेगा। जो दूसरा वाला है उसको हम लोग नलीफाइड मानते हैं कि मतलब वो या तो इनएक्टिव फॉर्म में होता है या टोटली एब्सेंस होता है। तो आज हम पढ़ना है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में। यहाँ पे देखिए, ये मैंने फ्लावर कल वाले में भी शेयर किया था, उसमें जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो है एंडोशियम, जिसके के दो पार्ट्स आपने कल पढ़े थे। एंडोशियम के कौन कौन से? स्टैमिन पढ़ा था, स्टैमिन के दो पार्ट थे, एक एंथर एंड एक फिलामेंट। एंथर को फिलामेंट से जोड़ने वाला जो पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं? कनेक्टिव है ना, उसको कनेक्टिव बोलते हैं, जो एंथर को फिलामेंट से जोड़ता है। यहाँ पर क्या है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आप देख रहे हैं उसमें तीन पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोग को बता चुकी हूँ, ये आप लोग पढ़ चुके हैं। फिर ये दूसरी चीज़ प्लेसेंटेशन, मार्जिनल, एक्साइल, फिर पैराइटल, प्री सेंट्रल है ना। ये सारे आपको फ्लावर के पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें, ठीक। ये सारे मैंने रिवीजन के लिए डाला है क्योंकि ये भी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से ही एसोसिएटेड है। अब आइए नेक्स्ट, मेगा स्पोरोजेनेसिस यानी डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। हाँ, तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जैसे कि मेल पार्ट में भी हो रहा था कि जहाँ पर वो डेवलप होना होता है वहाँ पर कोई भी सेल इनिशियली एक्टिवेटेड होती है कि यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जनरेट होना है। वहाँ पे आप कल देख रहे थे कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जनरेट होने के लिए
एक सेल सबसे पहले एक्टिवेटेड होती है। ये अलग अलग प्लांट्स में ये भी वेरी करता है कि कुछ में सिंगल सेल ही रेस्पॉन्सिबल होती है, कुछ में अ ग्रुप ऑफ सेल्स भी रेस्पॉन्सिबल होती है। तो यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं वो एक सेल से ही हम लोग स्टडी कर लेते हैं उसको, है ना, क्योंकि हमें तो बेसिक कॉन्सेप्ट उसका समझना है। तो देखिए, सबसे पहले प्राइमरी आर्किस्पोरियल सेल कहते हैं, वहां पर माइक्रोस्पोर मदर सेल बोल रहे थे, यहाँ पर प्राइमरी आर्किस्पोरियल सेल बोल रहे हैं। ये सेल सबसे पहले दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। ये देखिए, जो बाहर की वॉल है उसके अंदर हो रहा है, है ना, जो बाहर वाला सेल है उसको छोड़ दीजिए, वो एपिडर्मल सेल है। लो बेटा, तुम्हारे पास नहीं है, तुम ये ले लो। क्या नाम है तुम्हारा? ठीक। अब वो सेल दो में डिवाइड हुई, एक है प्राइमरी पैराइटल सेल जो कि उसकी पेरिफेरी वाली सेल्स को डिवाइड करे जनरेट करेगा, और दूसरी आप देख रहे हैं स्पोरोजीनस सेल। ठीक है, तो पैराइटल सेल तो वैसे ही रहती है, लेकिन जो है स्पोरोजीनस सेल है उसमें क्या होता है, मियोसिस। ये मैं पूरा लिखा हुआ अभी आपको दे दूंगी तो आपको समझ में आएगा स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पर आप डायग्राम से भी उस चीज को देख रहे हैं कि जो प्राइमरी पैराइटल सेल है पेरिफेरी की साइड जो होती है वो वैसे ही रहती है, लेकिन जो स्पोरोजीनस सेल है वो चार सेल्स में डिवाइड होती है, किससे, मियोसिस से, है ना। कल जब हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में देख रहे थे उसमें पहले बहुत सारे माइटोटिक डिवीजन्स हो रहे थे जिसमें बहुत सारे सेल्स बन रहे थे, फिर फाइनली उसमें जो है क्या हुआ था, मियोटिक डिवीजन। यहाँ पर पहले ही उसमें मियोटिक डिवीजन हो रहा है और मियोटिक डिवीजन के बाद चार सेल्स बनती है, लेकिन इसमें ये खास बात है कि वो लाइन से लगी हुई रहती है, यानी कि लीनियर फॉर्म में अरेंज होती है। तो ये आप देख रहे हैं सी डायग्राम में, देखिए चार लीनियर फॉर्म में अरेंज आपको सेल्स दिखाई दे रही है। जो स्पोरोजीनस सेल है वो भी 2n थी डिप्लॉइड, और कौन सी, प्राइमरी पैराइटल सेल भी डिप्लॉइड थी, यहां तक पूरा डिप्लॉइड था, लेकिन अब पैराइटल सेल तो डिप्लॉइड रह गई, और जो मेगा स्पोर्स बने, फोर सेल जो डिवाइड हुई थी मियोटिक डिवीजन से, वो चारों सेल क्या है, हैप्लॉइड, है ना। मियोटिक डिवीजन में हमेशा याद रखिए, ये वाइवा में भी जो एग्जामिनर होते हैं अक्सर पूछते हैं कि माइटोटिक डिवीजन में एक सेल से कितनी सेल बनती है, मियोटिक डिवीजन में एक सेल से कितनी सेल बनती है, उसका जो क्रोमोसोम नंबर है कितना होता है। अगर आपको कोई भी डिफरेंस पूछता है व्हाट इज द डिफरेंस इन माइटोटिक एंड मियोटिक डिवीजन, तो आप सबसे पहले यही बताइए कि उसमें एक सेल से चार सेल बनती है, मियोटिक डिवीजन में एक सेल से चार सेल बनती है, और पहले वाली सेल डिप्लॉइड होती है, और बाद में जो चार सेल्स बनती है वो हैप्लॉइड होती है, ठीक है। और जब माइटोटिक डिवीजन होता है उसमें एक सेल से दो सेल बनती है, लेकिन दोनों का क्रोमोसोम नंबर सेम होता है। अगर वो डिप्लॉइड में माइटोटिक डिवीजन हो रहा है तो वो डिप्लॉइड सेल्स फॉर्म करेगा, अगर उसमें जो है हैप्लॉइड सेल में माइटोटिक डिवीजन हो रहा है तो वो हैप्लॉइड सेल्स जनरेट करेगा। मतलब जैसी पेरेंटल सेल होगी, मतलब जो मेन सेल है जो डिवाइड हो रही है, वैसा ही वो दूसरा सेल भी डेवलप होगा, चाहे वो हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है, ठीक है। अब ये जो चार बन गई, चार सेल्स बनी ना आपके पास, चार हैप्लॉइड मेगा स्पोर्स बने आपके पास, सी डायग्राम में देखिए फोर हैप्लॉइड मेगा स्पोर्स बने, लेकिन इसमें क्या होता है कि तीन डी जेनरेट हो जाते हैं चौथे को नरिशमेंट देने के लिए। आप हमेशा ये समझिए कि जो फीमेल पार्ट है उसको अधिक नरिशमेंट की जरूरत होती है, क्योंकि वहीं पर सीड का डेवलपमेंट होता है ना। इसीलिए जब भी फीमेल पार्ट होगा, ये जैसे मेगा स्पोर है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो ये साइज में भी बड़ा होगा और प्लस ज्यादा नरिश्ड होगा। तो जो चार सेल्स बने थे
वो चार में से तीन जो है एक को ही नरिशमेंट देने के लिए खत्म हो जाते हैं। ये देखिए ऊपर वाले तीन जो सेल्स हैं वो डीजेनरेट हो गए और एक फंक्शनल मेगा स्पोर रह गया। हमारे पास एक फंक्शनल हैप्लॉइड मेगा स्पोर यहाँ पर अवेलेबल है। अब क्या होगा, अब वो ऑलरेडी हैप्लॉइड है तो उसमें माइटोटिक डिवीजन ही हो सकते हैं, मियोटिक हो नहीं सकते, है ना। तो इसमें पहला एक माइटोटिक डिवीजन हुआ, उससे एक सेल से दो सेल बने। देखिए ई डायग्राम में देखिए ऊपर है एक सेल नीचे है, ये एक न्यूक्लियस माइटोटिकली डिवाइड हुआ और दो न्यूक्लियस बन गए, ठीक है। अब दो जो न्यूक्लियस बने वो फिर माइटोटिक डिवीजन हुए, एफ में देखिए दो ऊपर बन गए दो नीचे बन गए, ठीक है। फिर एक और माइटोटिक डिवीजन हुआ जिससे चार ऊपर हो गए चार नीचे हो गए, क्योंकि एक से कट ऑफ होके दो न्यूक्लियस बने, दो से कट ऑफ होके चार न्यूक्लियस बने। अब क्या स्टेज आ गई कि इसमें चार न्यूक्लियस ऊपर हैं और चार न्यूक्लियस नीचे हैं। जो ऊपर वाले चार हैं उनमें से तीन वहां पर रह जाते हैं, एक सेंटर में आ जाता है, और जो नीचे चार हैं उनमें से तीन नीचे रह जाते हैं, एक सेंटर में चला जाता है, ठीक है। तो ऊपर भी हमारे पास तीन न्यूक्लियस हैं और नीचे भी हमारे पास तीन न्यूक्लियस हैं। जो ऊपर वाले तीन हैं वो एग एपरेटस का फॉर्मेशन करते हैं। अब एग एपरेटस क्या है, बीच वाली सेल तो उसमें एग सेल होती है और उसके आसपास वाली सिनर्जिड्स कहलाती हैं। ये सारा मैंने लिखा हुआ है अपने उसमें, तो हाँ अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में देखने को मिलेगा, तो वो आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। तो बीच वाला जो है वो एग सेल रहेगा और दोनों साइड में सिनर्जिड्स रहेंगे। नीचे तीन एंटीपोडल सेल्स हो गए, यानी ऊपर भी तीन सेल हो गए नीचे भी तीन सेल हो गए। बीच में क्या हुआ, बीच में दो न्यूक्लियस है अपने पास, वो दोनों फ्यूज हो जाते हैं और उसको कहते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस। ये जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है ये अभी अपने बहुत काम आने वाला है, क्योंकि ट्रिपल फ्यूजन अभी मैं बताऊंगी, तो इस टू एंड को याद रखिएगा। ये सेकेंडरी न्यूक्लियस क्या हो गया, टू एंड हो गया, क्योंकि इसमें एक ऊपर वाला आया और एक नीचे वाला आया, दो न्यूक्लियस फ्यूज हो गए हैं इसमें, तो इट इज नोन एज सेकेंडरी न्यूक्लियस। अब नेक्स्ट इस स्लाइड में जरा पढ़ने की कोशिश करिए जो अभी हमने डायग्राम्स में देखा है। डेवलपमेंट ऑफ मेगा स्पोर और ओवरी इज कॉल्ड मेगा स्पोरोजेनेसिस। इनिशियली ऑल मेरिस्टमेटिक सेल्स आर होमोजीनस। ये पहला सेंटेंस तुम्हें कल वाले नोट्स में भी मिलेगा, क्योंकि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जब शुरू होती है तो उसके पहले सारी सेल्स एक समान होती है, होमोजीनस होती है और टोटली वेजिटेटिव सेल्स होती हैं। लेकिन जो सेल मेगा स्पोरोजेनेसिस के लिए या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के लिए एक्टिवेटेड होता है वो बाकी सारी सेल्स से अलग हो जाता है। कैसे, कि बिकॉज ऑफ इट्स लार्जर साइज, थिक साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। ऐसी जो सेल्स होती है जो रिप्रोडक्टिव पार्ट को ग्रो कर रही है तो उसका न्यूक्लियस थोड़ा प्रोमिनेंट हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, उसकी सेल का साइज इंक्रीज हो जाएगा और उसका जो साइटोप्लाज्म है वो थिक हो जाएगा, ठीक है। दिस सेल इज नोन एज आर्किस्पोरियल सेल, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, आर्किस्पोरियल सेल। और दीज आर्किस्पोरियल सेल्स डिवाइड्स बाय पेरिक्लाइनल डिवीजन इनटू प्राइमरी पेराइटल सेल एंड प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल। कल मैंने तुम लोगों ने अगर देखा होगा वीडियो तो उसमें बताया था कि जो पेराइटल होते हैं पेरिक्लाइनल डिवीजन होते हैं वो पेरीफेरी के ऐसे राउंडेड शेप में कट होते हैं, ठीक है, वो पेरीफेरी के पैरेलल कट होते हैं, और जो एंटीक्लाइनल डिवीजन है वो रेडियस के फॉर्म में कट होते हैं, ठीक है। तो पेरिक्लाइनल डिवीजन यहाँ पर होता है तो एक बाहर वाली सेल हो जाती है, एक अंदर वाली। जो बाहर वाली है वो प्राइमरी पेराइटल सेल कहलाएगी और जो दूसरी प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल, ठीक है। ये स्पोरोजीनस सेल ही
मेगा स्पोर्स को डेवलप करती है। दिस मेगा स्पोर मदर सेल अंडरगो लीनियर मियोटिक डिवीजन, टेट्राड प्रेजेंट इन लीनियर अरेंजमेंट, है ना। अभी आपको बताया था मैंने, एक ही लाइन से लगे हुए थे ना चार। इन मोस्ट ऑफ द केसेस इन एंजियोस्पर्म्स द लोअर मोस्ट सेल ऑफ टेट्राड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, ब्रेस्ट थ्री डी जेनरेट्स। अच्छा, आप लोग जब बुक से पढ़ेंगे तो इसमें आप लोगों को बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे कि किसी में ऊपर वाली एक्टिवेटेड होती है, किसी में बीच वाली एक्टिवेटेड होती है, सेकेंड वाली, किसी में थर्ड वाली, किसी में फोर्थ वाली। पर 90% जितने भी एंजियोस्पर्म्स हैं उसमें फोर्थ वाला ही न्यूक्लियस जो है इसके लिए एक्टिवेटेड होता है। तो वो बहुत सारे टाइप्स बता के मैं आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहती थी। मैंने जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको क्लियर कर रही हूँ कि उसका जो ऊपर वाली तीन सेल्स हैं वो डिजेनरेट हो जाएंगी, यानी कि ख़त्म हो जाएंगी, और जो फोर्थ वाली है वो एक्टिवेटेड रहेगी। जो ऊपर वाली तीन न्यूक्लियस डिजेनरेट होते हैं वो किस काम आते हैं, नरिशमेंट के काम आते हैं। और ये तो आप लोग देख ही रहे हो कि जो मेल स्पोर्स हैं यानी कि पॉलन ग्रेन्स बहुत अबंडेंस में ग्रो करते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन ओवरी एक ही होती है ना। तो आप फ्लावर में ये चीज़ देख चुके हैं, प्रैक्टिकल में आप लोग कई फ्लावर्स को कर चुके हैं, तो आप देख रहे हैं कि उसमें कई स्टैमेंस होते हैं, स्टैमेंस में भी हर एक में सैकड़ों पॉलन ग्रेन्स होते हैं, बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स होते हैं। इसलिए जो मेल पार्ट है यानी माइक्रोस्पोर्स है यानी पॉलन ग्रेन्स है वो अबंडेंस में ग्रो करते हैं, अबंडेंस में डिवाइड करते हैं, और जो फीमेल पार्ट है उसका केवल एक ही न्यूक्लियस एक्टिवेटेड है। यहाँ पर सेम जो अभी वहाँ पर आप देख रहे थे उसी को फीमेल गैमेटोफाइट का यहाँ पर डेवलपमेंट एक बार फिर से मैं दिखा रही हूँ आपको। इसमें आप देखिए पहले दो न्यूक्लियस हैं दोनों एंड्स पे, एक ऊपर एंड एक नीचे, वो माइटोटिक डिवीजन हुआ, दो न्यूक्लियस बन गए ऊपर दो नीचे, फिर दो से चार बन गए, चार में से तीन ऊपर गए और तीन नीचे, और दोनों का एक एक सेंटर में आ गया, तो उसने सेकेंडरी न्यूक्लियस फॉर्म कर दिया। और नीचे की साइड, एक साइड में आपका एंटीपोडल्स हैं और एक साइड में क्या है, एग अपरेटस। एग अपरेटस में तीन सेल्स होती हैं, बीच वाला एग सेल कहलाता है और उसके दोनों साइड दो सिनर्जिड्स होते हैं। जिस समय अभी हम आप लोग को जब वो बताएंगे ना फर्टिलाइजेशन, तब आप सिनर्जिड्स का रोल, एग सेल का रोल, ये सारे और एंटीपोडल्स का क्या क्या रोल होता है ये मैं उस समय आपको बताऊंगी। अच्छा, वहां पर जब आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज मेल गैमेटोफाइट, तो पॉलन ग्रेन इज मेल गैमेटोफाइट, लेकिन फीमेल गैमेटोफाइट क्या है, एम्ब्रियो सैक है ना, उसको हम क्या कहते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। जो अभी इसके पहले मैंने डायग्राम दिखा रही थी वो एम्ब्रियो सैक का डायग्राम है। तो जब आपसे एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट या फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में पूछा जाएगा तो आप केवल वो बताएंगे, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट पूछा जाएगा तो इसके पहले वाला जो डायग्राम जिसमें सेलुलर डायग्राम्स दिखाए दे रहे थे वो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो फीमेल गैमेटोफाइट में क्या होता है, द फंक्शनल मेगास्पोर रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, इट्स ओवल इन शेप, वन एंड इज कॉल्ड माइक्रोपाइलर एंड एंड द अदर एंड इज नोन एज कैलेजल एंड। ये देखिए, जब हम ये देखते हैं ये वाले डायग्राम पे देखिए, जहां पर ऊपर ओपनिंग दिखाई दे रही है आपको, हर एक में एक सिरे पर ओपनिंग है, तो ये जो ओपनिंग वाला हिस्सा है ये माइक्रोपाइलर एंड है, यहीं से जो पॉलन ट्यूब होती है वो एंटर करती है, ठीक। दूसरा सिरा जहां पर ये सब आके फ्यूज हो रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं कैलेजा, ऊपर वाला माइक्रोपाइल, नीचे वाला कैलेजा। इसमें ये नीचे की साइड हो गया माइक्रोपाइल, ऊपर कैलेजा, इसमें ये माइक्रोपाइल एंड ये कैलेजा, ठीक है। तो जहां पर ये, इसमें देखिए यहां पर ये माइक्रोपाइल, मेरा एरो देख पाते हैं ना सब लोग, दिस इज माइक्रोपाइल एंड दिस इज कैलेजल एंड,
ये माइक्रोपाइलर एंड, ये कैलेजल एंड, ये माइक्रोपाइलर एंड इसमें यहाँ है क्योंकि ये सर्सिनोट्रॉपस ऐसे घुमा हुआ है, ठीक है। और दूसरा जो सिरा है उसको हम क्या कहेंगे, कैलेजल एंड, है ना। तो माइक्रोपाइलर एंड कैलेजल एंड का आप लोग को अंतर पता चल गया। द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक टेक्स प्लेस अलोंग माइक्रोपाइल एंड कैलेजल एक्सिस। माइक्रोपाइल और कैलेजल के बीच की जो लाइन है उसके अकॉर्डिंग ही इसका डेवलपमेंट होता है। द न्यूक्लियस अंडरगो थ्री माइटोटिक डिवीजन, है ना, तीन माइटोटिक डिवीजन बताए, पहले एक से दो बने, फिर दो से चार बने और फिर चार से आठ बने। तो तीन माइटोटिक डिवीजन्स वहां पर हुए, थ्री न्यूक्लियाई टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड डेवलप एंटीपोडल सेल्स, ऑन कैलेजल एंड थ्री सेल्स डेवलप एग एपरेटस, टू सिनर्जिड्स एंड एन एग सेल ऑन कैलेजल एंड। सब समझ में आ रहा है ना, बहुत ही इजी इंग्लिश लिखती हूँ बच्चों तुम लोग को, क्योंकि मुझे ले जाना है इंग्लिश की तरफ। आगे जब तुम लोग साइंस पढ़ो तो तुम लोग को दिक्कत ना हो, इसलिए मैं बहुत ही इजी इंग्लिश तुम लोग के लिए यूज करती हूँ। टू न्यूक्लियाई टुगेदर फॉर्म सेकेंडरी न्यूक्लियस इन सेंटर। देखा आपने, एक ऊपर से न्यूक्लियस आया, एक नीचे से आया, दोनों ने मिलकर सेकेंडरी न्यूक्लियस का डेवलपमेंट कर लिया, ठीक है। आज के लिए इतना सफिशियंट था, और कल वाला भी आप लोग को देखना है बच्चों, तो इसलिए उसको ध्यान से देखिएगा, कहीं पे कोई चीज समझ में नहीं आएगी तो आप पूछ सकते हैं। ठीक, पहले हम लोग अटेंडेंस ले लिया जाए आप लोग का। आइए भैया, शक्ल दिखाइए सब लोग अपने। ये मेरे को तुम लोग दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो? स्क्रीनशॉट तुम लोग कोई एक लड़की ऐसे जिम्मेदारी ले लो, मेरे को पूरा कंप्लीट स्क्रीनशॉट भेज दिया करो। यस, सब लोग अपना कैमरा ऑन, क्लास वाले बच्चे भी ऑन कर लीजिए। कुछ लोग तो रजाई में घुसे हुए हैं, पता चल रहा है भाई सर्दी हो रही है। क्यों नहीं आ रही है आज मेरी? इतने यहां बैठे हो बस उतना ही दिख रहे हो इसमें भी। चलो भैया अटेंडेंस ले लिया जाए। ये मेरे को फुल स्क्रीन क्यों नहीं दिख रही आज, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तुम लोग मुझे फुल स्क्रीन पे रोज दिखाई देते हो, आज नहीं दिख रहे हो। आज ये भी सोच रहा लैपटॉप की, इतनी सारी लड़कियां यहाँ सामने आई हुई है तो मैं क्यों इसमें शक्लें देख रही हूँ। चलो जी अटेंडेंस बोलिएगा, 1 2 3 4 इज द मैम, 5 मैम, 3 प्रेजेंट, 4 प्रेजेंट, 5 6
सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, हाँ उसके बाबा एक्सपायर हो गए, शालू ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी नाइनटीन थाउजेंड, हाँ ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन थर्टी थर्टी वन थर्टी टू थर्टी थ्री थर्टी फोर थर्टी फाइव थर्टी सिक्स थर्टी सेवन थर्टी एट थर्टी नाइन थर्टी नाइन तुम हो फोर्टी फोर्टी वन फोर्टी टू फोर्टी थ्री फोर्टी फोर, बोलोगी नहीं तो कहाँ से लगेगी फोर्टी, लगी है मैम थ्री प्रेजेंट है, थ्री की नहीं लगाएंगे आज, क्यों मैम, हाँ लगा दी मैम मैंने बोला, हाँ लगी है बेटा, ओके चलो आज के लिए इतना है मैम, लेकिन प्रेजेंट क्या नाइन नाइनटीन नाइनटीन प्रेजेंट अडीबा, ओके चलो ठीक है आज के लिए बाय बाय मैम, वेट कर रहे।